बांदा में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक छात्र को नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है। छात्र प्रयागराज का रहने वाला है और पीईटी की परीक्षा देने बांदा आया हुआ था। परीक्षा के दौरान चेकिंग टीम ने उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में गिरफ्तार किया है। उपकरण के माध्यम से सवालों के जवाब सुन रहा था। पुलिस ने छात्र पर सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। मामला शहर कोतवाली के भागवत प्रसाद मेमोरियल स्कूल का बताया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा कराई जा रही थी। इसी दौरान यहां छात्र परीक्षा देने आया था। पुलिस ने नकलची छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आज कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत पेट परीक्षा के दौरान भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते हुए पंकज कुमार मौर्य, सनोक रामलखन मौर्य, जो प्रयागराज का रहने वाला है, पकड़ा गया है, जिसके विरुद्ध कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।